हाय टेली मसाला, वेलकम टू माय हाउस। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ आप सबसे मिलने के लिए। मैं इतने सालों बाद आई हूँ और मैं पहली बार इतने सालों बाद फर्स्ट आप लोगों से मिल रही हूँ। बट उससे पहले लेट मी शो यू माय हम्बल हाउस। तो आइए मेरे साथ घर देखते हैं। हमारा लिविंग रूम जहाँ पे हमारी पूरी फैमिली बहुत टाइम स्पेंड करती है। हमारे फ्रेंड्स और फैमिली सब यहाँ पे बहुत सारा टाइम पार्टीज करती है और हम बहुत चिल भी करते हैं। इट इज़ अ वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। ये पूरा घर जो आप देखेंगे ये मैंने अकेले ने डिज़ाइन किया था। मुझे एक ऐसा घर चाहिए था जहाँ पे डार्क और वाइट, तो डार्क ब्राउन और वाइट एक कॉम्बिनेशन, आई ऑलवेज लाइक्ड इट, आई डोंट नो व्हाई। सो ये पूरा घर मैंने वो चॉकलेट ब्राउन और वाइट के कॉम्बिनेशन में किया है। एंड वन मोर वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट दिस होल हाउस इज़ दिस बुद्धा। ये बुद्धा बहुत ही पुराना है, मतलब हमारे घर में आई थिंक पुराने घर से लेके ये नए घर तक आया है। तो ये बुद्धा करीबन 15-16 ईयर्स ओल्ड है। सो येस, दिस इज़ वन ऑफ आर मोस्ट फेवरेट पीसेज इन द हाउस। एंड नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी मेरा फेवरेट कॉर्नर जहाँ पे मैं बहुत टाइम बैठती हूँ और चाय पीती हूँ। कम ये है मेरा फेवरेट कॉर्नर, यहाँ पे मैं बहुत टाइम स्पेंड करती हूँ। हालांकि पहले यहाँ पे बिल्डिंग्स नहीं थी, यहाँ पे पूरा खुला हुआ था, बट बॉम्बे बीइंग बॉम्बे सब खाली जगह पे बिल्डिंग बन रही है, सो यहाँ पे भी बिल्डिंग बन गई है अभी। मैं इंटरनेशनली एक कॉफ़ी पर्सन हूँ और जब मैं इंडिया आती हूँ मैं हार्डकोर चाय पर्सन बन जाती हूँ। तो चाय मुझे हर चीज़ के साथ अच्छा लगता है, बट मुझे मसाला चाय इज़ वन ऑफ माई फेवरेट चायस। और मुझे चाय एक पर्टिकुलर तरह की बहुत अच्छी लगती है, वो बहुत कम दूध के साथ, एंड उसमें बहुत ज़्यादा मसाला, जितना ज़्यादा मसाला होगा उतना मुझे बहुत पसंद है। एंड आई ईट इट विद एवरीथिंग, लाइक चाय बिस्किट, चाय खारी, चाय खाकरा, चाय थेपला, चाय 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 विद एवरीथिंग। मैं 7 साल से बहुत ही ज़्यादा घूम रही थी, आप लोगों को पता है मेरी शादी हो चुकी है और मेरे हस्बैंड जो है पोर्चुगल से है, तो हमने बहुत टाइम स्पेंड किया है दुबई और पोर्चुगल में। तो 7 साल से मैं अपना मैरिज लाइफ बहुत ही एंजॉय कर रही थी, बट अब टाइम आ गया है। बहुत सारे लोग मुझे मिस करते हैं, बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन भी करते हैं और ये भी पूछते हैं कि कहाँ हो, दिखाई नहीं दे रही हो। आ गई मैं, तो चलिए और देखें मेरा घर। मैं आपको अपना बेडरूम दिखाऊंगी अभी, तो चले। ओ बट पहले मैं आपको एक हिडन चीज जो है हमारे घर में वो दिखा देती हूँ, एंड दिस इज द हिडन बार। बच्चे आप लोग मत देखिए पर बड़े जो है वो देख सकते हैं। मुझे ड्रिंकिंग बिल्कुल ही पसंद नहीं है, मैं ज़्यादातर बियर और वाइन पीती हूँ। ज़्यादा अल्कोहल बचपन में पिया था, अब नहीं पीती, हैंडल ही नहीं होता। इंटरनेशनल व्हेन वी ट्रैवल वी ड्रिंक वाइन बिकॉज हम पोर्चुगल, मेरे हस्बैंड जो है वो पोर्चुगल से है, तो वहाँ पे बहुत बड़ा कल्चर है वाइन ड्रिंकिंग का। तो वहाँ पे ऑफ कोर्स वी ड्रिंक विद लंच एंड डिनर समटाइम्स, बट आई थिंक एक मैक्सिमम 2 ग्लास इज़ माई टॉप्स, आई कॉन्ट ड्रिंक मोर देन दैट। अब हम ट्रैवल के बारे में बात ही कर रहे हैं तो वर्ल्ड टूर करके आए, चलो चलते हैं। ये है हमारा वर्ल्ड टूर। मैं जहाँ पे भी ट्रैवल करती हूँ अब मैं एक मैग्नेट खरीद के यहाँ पे लगा देती हूँ। तो वेर एवर आई हैव ट्रैवल्ड अ लॉट ऑफ प्लेसेस आर मिसिंग, बट बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे मैं ट्रैवल करती हूँ और मैं यहाँ पे आके दिस इज़ माई विजन बोर्ड, दिस इज़ माई
what I have done in the past board. This one is from Scotland, जब हम गए थे. चे, I don't know, आप लोगों को पता है कि नहीं, चे की स्टोरी ये है क्यूबा से और बहुत बड़ी हिस्ट्री है, मैं ज़्यादा बताऊँगी नहीं आपको. ये है माई ससुराल, माई सास एंड ससुर लिव इन पोर्चुगल, सो दिस इज़ फ्रॉम लिस्बन. एंड ऑफ कोर्स आई कांट मिस आउट ऑन हमारा प्यारा गोवा, हमारा घर भी है यहाँ पे, सो दिस इज़ गोवा. बहुत सारी जगह हैं एंड दिस इज़ द ट्रैवल बोर्ड. बहुत ट्रैवल कर लिया, अब मैं ट्रैवल करने के बाद कहाँ जाती हूँ और कहाँ सोती हूँ ये दिखाऊंगी आपको. कम विद मी. अब इतना ट्रैवल कर ही रहे थे तो मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि मैं ट्रैवल में क्या पहनती हूँ और पार्टीज़ के लिए क्या पहनती हूँ. और वो है ऑब्वियसली जूतों की बात कर रही हूँ मैं. इतने सारे जूते, आई एम एक्चुअली ऑब्सेस्ड विद जूताज. मैं बहुत सारे स्पोर्ट्स शूज़ पहनती हूँ, स्पेशली ट्रैवल जब करती हूँ तो मैं स्पोर्ट्स शूज़ पहनती हूँ. तो ऑब्वियसली ये बहुत, ये सब, ये साइड पे सब स्पोर्ट्स शूज़ है. एंड रिसेंटली मुझे एक प्यार सा आ गया है इंडियन जूतीज को लेके, तो मैं बहुत अभी ऐसे चप्पलें पहनना शुरू कर दिया है मैंने. तो मैं बहुत सारी इंडियन स्लिपर्स पहनती हूँ आजकल. एंड ऑब्वियसली पार्टीज़ के लिए तो मतलब चमकी धमकी तो होना ही है, तो पार्टीज़ के लिए ये सब पहनती हूँ. ये साइड तो दिखा दिया, दूसरी साइड पे भी है. और दिस साइड इज अगेन फिल्ड विद शूज, तो बहुत सारे जूते हैं. पर मेरा एक रूल है, अगर मैं पार्टी करने जा रही हूँ और हील्स पहन रही हूँ तो गाड़ी में मेरे चप्पल हमेशा रहते हैं. तो अगर मैं थक जाती हूँ तो फिर वो हील्स उतर जाते हैं और चप्पल आ जाती है. तो आई एम नॉट अशेम्ड इन वेयरिंग वेरी फैंसी क्लोथ्स एंड रबर चप्पल साथ में. सो दिस रूम, ये एक रूम, खुफिया रूम है अभी, बट ये पहले हमारा चिल जोन हुआ करता था. यहाँ पे एक टीवी हुआ करती थी जो अब नहीं है, पर इसको मैंने अपनी बहन का बेडरूम बना दिया है. हाय, दिस इज द चिल जोन रूम. यहाँ पर हमने बहुत मस्ती की है फ्रेंड्स के साथ, मतलब कंबले लेटा के हमने मूवी नाइट्स किया हुआ है. And there's quite a lot of dhamaka that we have done in this room. तो ये एक बहुत ही cute room है, ये one of my favorites है. आजकल हम यहाँ पर आके बैठते और क्या पहनेंगे और कैसे पहनेंगे वो करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा सब Indian wear रखा हुआ है. And this is our changing room and now it is her makeshift bedroom. अब इनको रहने देते हैं और मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगी जो आप लोगों को मेरे बारे में ज़्यादा पता नहीं है, वो आपको दिखाऊंगी. चलिए मेरे साथ. ये है व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट. बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि मैं एक एविड रीडर हूँ, पर मैं सेल्फ हेल्प बुक्स इतने ज़्यादा नहीं पढ़ती. मैं बहुत ही ज़्यादा, मैं क्राइम, थ्रिलर, सस्पेंस ऐसी वाली बुक्स ज़्यादा पढ़ती हूँ. फिक्शन मुझे बहुत पसंद है एंड These are some of the books जो मैंने बहुत सालों से ऐसे जमा करके रखी हुई है. एंड ऑफकोर्स यहाँ पे ही नहीं, पर दुबई और पोर्चुगल में भी मेरे बहुत सारे बुक्स हैं, तो वहाँ पे भी हमने बुक शेल्फ्स बना के रखे हुए हैं. सो दिस इज़ डेफिनेटली वन ऑफ माई फेवरेट स्पॉट्स. मेरी जो सबसे ज़्यादा फेवरेट राइटर है वो है कैरन रोज, एंड मैं उसके किताबें बहुत सारी पढ़ती हूँ. आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे कैरन रोज की किताबें हैं. फिर हार्लिन गोबिन भी है, जेम्स पैटर्सन भी है. अब मैंने इंडियन राइटर्स को रीड करना शुरू कर दिया है एंड आई स्टार्टेड विद वन ऑफ माय स्कूल फ्रेंड्स वैशाली.
And this is her first book, so I have started reading Indian authors as well right now. अब इतनी पढ़ाई कर ली हमने, चले बेडरूम की तरफ. एक मिनट, बट बिफोर वी गो टू द बेडरूम, मैं आप लोगों को ये फोटो दिखाना चाहती हूँ. ये बहुत ही स्पेशल है. ये एक फोटोशूट किया था हमने फैमिली के साथ, आई थिंक ऑलमोस्ट 20 साल पहले, जब कलियों का चमन रिलीज हुआ था, तब की बात है. आई थिंक ये हमारे सबसे पहले घर, फर्स्ट हाउस जो मैंने खरीदा था, उसमें हमने फोटोशूट किया था. आप देख सकते हैं बहुत ही डिफरेंट है तब से लेके अब तक. Everyone is looking very different, but it is a very, very emotional photo for me. And ये photo हमेशा मेरे साथ जहाँ पे भी जाऊँगी वहाँ जाएगा. चलो this is my bedroom, और यहाँ पे मैं बहुत ही relax हो जाती हूँ and सबसे ज़्यादा time यहाँ पे spend करती हूँ. आई एम 100% अ होम पर्सन. आप किसी को भी पूछ लेंगे तो वो यही डेफिनेटली कहेगा कि इसे बाहर बुलाने से अच्छा घर चले जाओ. शी विल बी द हैप्पीएस्ट एंड द मोस्ट कूलेस्ट पर्सन इन द हाउस. एंड ऑफकोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट बींग द कूलेस्ट पर्सन, तो मैं आप लोगों को मेरा कूलेस्ट वार्डरोब भी दिखाऊंगी. सो कम. ये है मेरा सबसे कूलेस्ट वॉक इन वार्डरोब. मुझे हमेशा से ही वॉक इन वार्डरोब चाहिए था, और लकीली ये घर में ये स्पेस जो थी वो बाथरूम के पीछे था, तो हमने बहुत सोच के डिज़ाइन मार के ये दीवार तोड़ के इसको हमने वॉक इन वार्डरोब बना दिया. पर ऑब्वियसली मैं यहाँ पे ज़्यादा रहती नहीं हूँ, तो अब ऐसे लग रहा है कि ये एक ट्रैवल सूटकेस एरिया बन गया है. एवरीथिंग इज़ उथल पुथल, बट अभी भी बहुत सारे कपड़े हैं यहाँ पे जो मैं पहनती हूँ, मैं ट्रैवल्स के लिए ले जाती हूँ. एंड इट इज़ ऑल माई वेरी मोस्ट कम्फर्टेबल क्लोथ्स आर हियर. ओके, सो रिसेंटली मैं ये रोम्पर्स पहनना बहुत शुरू कर दिया है मैंने. ये रोम्पर्स मेरे आजकल बहुत फेवरेट है. इस स्टाइल में मेरे पास बहुत सारे कलर्स भी है और स्टाइल्स भी है. एंड क्योंकि मैं बहुत सारे ह्यूमिड जगह पे जाती हूँ, तो मुझे ये ऐसे ओवरऑल्स पहनने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि दे आर वेरी वेरी कम्फर्टेबल. सो ओवरऑल्स इज़ वन ऑफ माई अगेन फेवरेट. आई एम सो सॉरी ये सब इस्त्री नहीं किए हुए क्योंकि अभी धुल के आए हैं. एंड देन इट्स द स्लिट ड्रेसेस. ये आजकल मैं बहुत पहन रही हूँ क्योंकि गर्मी का सीज़न है. मैं बीच हॉलीडेज और बीच के वहाँ पे बहुत रहती हूँ, गोवा जाने वाली हूँ, तो ये जो है ऐसे वाले ड्रेसेस मुझे बहुत पसंद है और मैं बहुत पहनती हूँ. एंड द नेक्स्ट वन विल बी ये स्टाइल में. दिस इज Again, this is not iron, but this is a tie-up top, and this is a skirt. So these are my favorites, which मैं बहुत ही कम मेकअप लगाती हूँ. In fact, ये जो 7 साल में मैंने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया है, I was away from the limelight. तो मैं हमेशा चूज़ करती थी कि मैं बहुत कम मेकअप लगाऊं. सो माय मेकअप रूटीन वुड डेफिनेटली बी जस्ट अ बेस एंड अ पाउडर एंड लिपस्टिक एंड मस्कारा. आप लोगों को नहीं लगता कि आप लोगों ने यहाँ पे बहुत समय बिताया है, तो चलिए यहाँ से निकलते हैं. बाय. आई होप आप लोगों को मज़ा आया मेरा घर देख के और ये हाउस टूर देख के. थैंक यू सो मच टेली मसाला, आप लोग आए मेरे घर पे. थैंक यू सो मच आप लोगों को, सभी लोगों को, कि कलियों का चमन को आप लोगों ने इतने सालों से इतना प्यार दिया है और मुझे इतना प्यार दिया है. थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच. आप लोग मुझे और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा देखते रहेंगे. एंड टेली मसाला
Lots of love. Thank you so much. Bye bye.